बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर सात की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राण नाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगली को पल पल करु प्रणाम, श्री तेज कुवर श्यामा युगली को पल पल करु प्रणाम, पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे, युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमः। सुंदर साथ जी, आज दिन तक जो शोभा हुई है हमारी सोमवार से लेकर अभी तक की, तो हम शनिवार की शनिवार उन शोभा को रिवाइज करेंगे। तो आज वो शोभा को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर थोड़े से प्रश्न उत्तर लेते हैं। एक भाई पिक्चर खुल जाए सुंदर सा जी। हम सभी अपनी सुरता को गुम्बद जी में लेकर चले, गुम्बद जी में साक्षात विराजे पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, उनकी मेहर से, उनके लाड से उसी पल खुद को महसूस करें कि हम श्री जमुना जी के इन पाठ घाट में हैं, नूरी जल में झील ना करके दियोरियों में श्रृंगार सज के अब पाठ घाट को पीठ देके हमें चलना है। तो पाल से तीन सीढ़ी उतरते ही वन रोस, आगे पुखराजी रोस और आगे अमृत वन की इन मध्य रोस से सीधा आगे बढ़ते चले जाना है। अमृत वन की इन रोस से जब हम चल रहे हैं तो हमारे दोनों तरफ वृक्षों की सुंदर कतारें, आगे नहरें, वनों की सुंदर शोभा, पशु पक्षियों की सुंदर लीला हमें दिखाई देगी। अमृतवन की नूरी शोभा और हमारे ऊपर वनों का सुंदर शीतल चंद्रमा, फूलों की एकल छाया, इस तरह से वन पार करते हुए जब हम पहुंचे चांदनी चौक के द्वार के पास, हमारे चांदनी चौक के इन द्वार के पास, तो यहाँ एक सुंदर फूलों का द्वार बनता हुआ और दोनों तरफ जय बच्चे। तो इन शोभा को हम देखें रूह की नजर से कि हम यहाँ अपनी धाम की सखियों संग हैं और हमारे दोनों तरफ यहाँ पर वनों की सुंदर शोभा, वनों की अति सुंदर शोभा दोनों तरफ दो, और उन वनों का चंद्रमा पहली भूमि में ही आता हुआ, यहाँ पर वृक्षों की सुंदर कतारें और वृक्षों के पार देखेंगे तो विशाल नहर, ये सुंदर विशाल नहर और ये चह बच्चे, इनसे उठते ऊंचे फवारे और हम इन स्थान पर खड़े हैं। हमारे ऊपर भी वनों का एक शीतल चंद्रमा, एक सुंदर छाया तले हम जैसे ही एंटर हुए इन चांदनी चौक में, तो उन मनोरम शोभा को देखते हुए धाम के अति प्यारे द्वार, पहले चौक हमारे चांदनी चौक का हमने यहाँ पर एंटर किया चांदनी चौक में, चांदनी चौक की सुंदर शोभा धनी दिखलाते हुए ठीक मध्य ये दो मंदिर की रोस हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचाती हुई, दाई और बाई और रेती का नूर और इन तीन तरफ वनों के सुंदर नजारे, इन तीनों तरफ दो मंदिर की रोस आई जिन पर वृक्षों की दो हारे, आगे वनों की शोभा सुंदर नजारा प्यारे से हमारी श्री चांदनी चौक का, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा और बाई और हरे वृक्ष की शोभा।
पहली भों बरामदे माफक, दूसरी भों मोहलात माफक। फूलों की मोहलात बनती हुई, चारों कोनों पर देहोरियां, एक देहोरी मध्य में कलश ध्वजा पताका। सुंदर मनोरम समा रेती का नोर, रेती का नोर। इन पिक्चर में देखिए कितना झिल मिलाता हुआ। तो हम अपने श्री रंग महल के सन्मुख अपने चांदनी चौक में खड़े हैं, जो खुली चांदनी है, ठीक मध्य दो मंदिर की रोस, दाई और कमर पर ऊंची चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा, बाई और हरे वृक्ष की शोभा। इन एक चबूतरे की शोभा ने रखते हैं तो चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां और बाकी जगह कठेड़े की शोभा। और जिस भी दिशा में बैठने का मन होता है, उन्हीं दिशा में सिंहासन कुर्सियां हाजिर होती हुई, और वहां पर बैठकर चांदनी चौक में सुंदर नजारे लेना। पशु पक्षी कैसे उमड़ उमड़ कर आते हैं और पिया को रिझाते हैं। कोई नजदीक के वनों से, कोई सात वन से, कोई बट पीपल की चौकी से, तो कोई नूर सागर से, कोई नीर सागर से, कोई वन की नहरों से, कोई सरल सागर से। और एक बड़ी प्यारी सी लीला का वर्णन, मनमोहन रसन सागर, महाराज शिव जी युगलदास महाराज जी की प्यारी सी कृति। उसमें वर्णन आता है कि पशु पक्षी आके सिजदा बजाते हैं और अपने अपनी ठोर की बताते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं। वो सुंदर नूरी श्वेत हाथी आके अपना परिचय देता हुआ कि मैं तो नूर सागर से आया हूँ। वो सुंदर लाल रंग में खिलता पक्षी कि मैं नीर सागर से आया हूँ, मैं वन की नहरों से आया हूँ। तो अपना अपना ठोर बताते, दूर के हो नजदीक के हो, जिस पल दिल में चाह उसी वक्त धनी की सेवा में हाजिर। तरह तरह की पोशाकें पहनकर, वाजंत्र बजाकर, नृत्य करकर धनी को रिझाते हुए। और ठीक मध्य की रोस, ये रोस जितनी रोस की चौड़ाई दो मंदिर की, उन्हीं चौड़ाई में लंबाई में सीढ़ियां चढ़ती हुई। सबसे पहले हमने शोभा देखी। इन सीढ़ियों पे जब पग धरते हैं, एक सीढ़ी चढ़कर हम इन सीढ़ी पर आए, एक पंक्ति धरकर, एक हाथ की चौड़ी, एक हाथ की ऊंची विशाल सीढ़ी, दोनों ओर कठेड़ों की प्यारी शोभा। फिर दूसरी सीढ़ी पर आए, किलम अति कोमल, और भी कोमल होती हुई मानो रूह को पुकार रही हो, कुछ पल तो मेरे पास भी रुक मेरी सखी। तीसरी सीढ़ी, चौथी और पांचवी सीढ़ी की अद्भुत शोभा। चार सीढ़ियां एक हाथ की आई थी और ये सीढ़ी हमें छह हाथ की चौड़ाई लिए नजर आ रही, क्योंकि इनमें एक हाथ की जगह तो सीढ़ी की है और पांच हाथ की जगह चांदे की है। सीढ़ियों और चांदों पर रंग अलग अलग, गिलम गिलम एक ही है, रंग अलग अलग होता हुआ। वो दोनों तरफ चढ़ती कठेड़ों की प्यारी शोभा, धाम की अति विशाल सीढ़ियां, उन पलों को याद करते हुए कि हम सब सखियां मिलकर इन सीढ़ियों पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, वो पल याद आते हुए जब पिया संग इन सीढ़ियों से चढ़ उतर करते हैं, हमारे ठीक सन्मुख श्री राज श्यामा जी हाथों में हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ते हुए, उनके वस्त्रों की छलकार, उनके आभूषणों की मीठी चनकार। और कैसी श्यामा जी अपने वस्त्रों को समेटे, एक पंक्ति ऊपर अपना कदम रखते हुए, और उन समय युगल पिया की चरण तली के दीदार, लाल लाल एरिया मेरे रूप के, मेरे पिया की, मेरे श्यामा जी की नूरानी चरण, कैसे लालिमा गहराई हुई, लाख तली की शोभा, अनुपम शोभा, मेरे पिया युगल पिया की, उन नूरानी चरणों की।
और जैसे जैसे पिया कदम बढ़ा रही है, फूल स्वते बिजते हुए, पलक पावड़े बिजते हुए, वो झांझरी घुंघरी कांपी कडला की धमकार, और श्यामा जी के चरणों में आए, अनवट बिछी की सुंदर मीठी छटकार, 25 पक्षों में निवास करने वाले पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, थिरक उठते हैं कि मेरी श्यामा महारानी के कदमों की आहट, दोनों ओर चढ़ती कठेड़ों की अनुपम शोभा, उनमें आया चित्रामन भी साथ साथ चढ़ता हुआ, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके, दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए, आखिरी चांदे 20वें चांदे से कैसे बड़ी प्यारी अदा से एक पंक्ति ऊपर रख चढ़कर, खुद को देखा दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में, बड़ी प्यारी सी शोभा इस चौक की, दो मंदिर का लंबा चौड़ा विशालतम चौक, एक मंदिर विशालता लिए तो दो मंदिर की लंबाई चौड़ाई, और चारों कोनों पर हीरा के विशाल थम, बेहद ही विशाल थम, उनके नूरी पहल, नूरमय चित्रामन, रंगों नगों से छिल मिनाता, चेतन चित्रकारी, पशु पक्षियां पुतलियां, और जैसे ही राज श्यामा जी और रो थम के नजदीक पहुंचते हैं, तो कैसे सभी चित्रामन चेतन होते हुए, एक-एक चित्रामन थिरकता हुआ, पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, रूहों के मन की स्वरूप ये जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, पिया पिया, तू ही की गुंजार, सुंदर मनोरम समा, फूलों की बरखा, कोई हीरे की आभा लिए मानो हीरे बरस रहे हों, ऐसे नूरी गुलाब के, श्वेत गुलाब के फूल गिरते हुए, ऊंचे अतंत थम उन पर आई, ऊंचे अतंत मेहराबे मेहराबों में आई सुंदर नकाशी, और चार कोनों में आए इन थंबों में आई सुंदर मेहराबे, और इन चौक में है नजर ऊपर करी तो अत्यंत ऊंचाई लिए छत, और इन छत में भी कितनी सुंदर शोभा, और युगल पिया श्री राज श्यामा जी एक एक नग में उनका नूरी स्वरूप छिल मिलाता हुआ, सुगंधि का आलम, नरमाई, शीतलता, एक एक कण से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकलता हुआ, लेकिन उन तेज में नरमाई है, शीतलता है, मेरे धनी का लाड समाया है, सुगंधी है, और इन दो मंदिर के चौक में खड़े होकर नजर पुनः चांदनी चौक की ओर करी तो धाम की विशाल उतरती सीढ़ियां और चांदी कैसे नजरों में आते हुए, सुंदर मनोरम शोभा लिए उतरते कठेड़े, चांदनी चौक, और चांदनी चौक में आए लाल हरा वृक्ष, उनकी नूरी रेती, रेती का तेज, चबूतरों का तेज, और तीन दिशा में आए अमृत वन, भूम दर भूम उनके फूलों के दो कठेड़े, फूलों की अति सुंदर दो रेली, और इन सब का तेज आपस में छिल मिलाता हुआ, रेती की किरणें उनकी जोत, मध्य रोस की जोत, लाल वृक्ष की जोत, हरे वृक्ष की जोत, तीन दिशा में आए अमृत वन की सुंदर नूरी ज्योति, और सामने रंग महल से उठती ज्योति कैसी रेजा रेज होती शोभा, और ये नूरी थम आसमान को जाके लगता होगा,
नूरी झिलमिलाट, और इन झिलमिलाट में भी तो पिया का नूरी सरू। श्री परम धाम की हर शय जरे जरे में मेरे पिया का नूरी सरू, रेती के एक कण में भी पिया का नूरी सरू। और अब नजर करी उत्तर दक्षिण तो चबूतरों की सुंदर शोभा और दूसरी भूमि चरों की, और एक प्यारी सी शोभा गिनने के चार थम, इन चौक के चारों कोनों पर चार थम, लेकिन दाएं बाएं जो चबूतरे और चरोखे आए हैं उनमें ये थम भूम दर भूम मेहराबे डालते हुए तो गिनती के चार देखन के आठ थम शोभायमान होती हुई, और इन चौक के चारों कोनों में हीरा के थम, हीरा की मेहरा छत हीरा की, तो कैसे ये चौक भी नूरी श्वेत आभा से झील मिलाता हुआ अपार ज्योति उज्जवलता लिए नरमाई लिए, और इन नूरी ज्योति में हम सब रोए, और सामने है धाम दरवाजा नूरी श्वेत दर्पण रंग का, तो इन शोभा को रू फेर फेरने लगती है, और पिया चरणों में खुद को महसूस करती है। मेरे पिया, मेरे श्री राज श्यामा जी, मेरे श्री राज श्यामा जी। हाँ जी, प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, यहाँ तक की शोभा के बारे में, चांदनी चौक, सीढ़ियां और दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। सॉरी, आवाज धीरे आ रही थी पर मेरी आंखें बंद थी तो मैं देख नहीं पाई, नहीं दीदी, मैसेज आ आया। दीदी आ रही थी आवाज, तो हाँ जी, आवाज जितना ही करे इतनी आती जितनी मस्त है आप। हाँ जी, सुंदर साहब जी, कोई भी क्वेश्चन अपने को इस शोभा के बारे में, ये रिवाइज क्लास है कि ये शोभा पूरी अच्छे से रिवाइज कर ले तो सोमवार से नई शोभा की ओर बढ़ेंगे। जब तक हम सुरक्षा आंटी से एक भजन सुनते हैं, उनकी मीठी आवाज में, सुरक्षा आंटी से, एक मिनट, सुरक्षा आंटी कहाँ है? एक मिनट दीदी, मैं देखती हाँ, कर दिया मैंने अनम्यूट। हूँ। ठीक है, हाँ सुरक्षा आंटी, अनम्यूट हो जाओ। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में श्री राजी महाराज के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ आवाज रही आ है रही है। आंटी, हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैं एक भाव रखना चाहती हूँ भजन हाँ जी, का। हाँ जी, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभाने की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभाने की, नाकाम है जुबान ला मकान की, कोई नहीं मिसा सुंदर स्वरूप आपका,
एक बार देख के सुंदर स्वरूप आपका, एक बार देख कर दीदार करते करते थकती नहीं नजर, नजरे नजरे भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबान लामकान की, कोई नहीं मिसाल, वाकिफ नहीं जमाना अरशे अजीम से, वाकिफ नहीं जमाना अरशे अजीम से, हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से, ये रहमते हजूर की किसने बयान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। सजते हैं राज श्यामा जी गुंचाए रूहों में, सजते हैं राज श्यामा जी गुंचाए रूहों में, करते हैं गुज इशारते चित खेच रूहों के, नजदीकियां नजदीकियां, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबान लामकान की, कोई नहीं मिसाल, माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, ओ माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेशुमार इश्क साहेबी बेशुमार नूर है, प्यारी प्यारी से गुफ्तगू है मेरे हक जुबान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुबान की। नाकाम हो गई है जुबान लामकान की, कोई नहीं मिसाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, ऐसा नहीं मेरे नहीं से बोला क्या? मैंने भी आप तो आंटी, आप आपकी आवाज सच में बहुत प्यारा, कितने भाव से। ऐसा ही है, मैं कुछ शौक रखती हूँ भजन बोलने में, तो मैंने को कहा तो मैंने कहा मैं बोल दूंगी, बोल रहा हाँ जी, हाँ जी सुंदर सर जी, अभी चैट में नीरू का अपना क्वेश्चन आया है कि
अभी जैसे वर्णन में आया ना, देखन की चार गिनती के आठ थम, तो वो शोभापन करते हैं। शायद ये बताने में मेरी रह गई है कि हम ये देखो कितना प्यारा ये नक्शा है। एमी और भी सुंदर साथ है, शायद राजकोट के सुंदर साथ। हाँ जी, तो ये देखिए, दो मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल चौक, ये चारों कोनों पे अपने हीरा के थंब हो गए। दो थंब खुले हैं, दो थंब अक्षी हैं, यानी दीवार में चित्रामन मात। अब ये थंब है तो एक ही, जो 88 हाथ ऊपर जाते हैं, ऊपर 88 हाथ की मेहराब बनाते हैं, ऊपर चित्रकारी आती है, उसके ऊपर तीसी भोंग की ये पूरी एक शोभा आ जाती है। तो हम इन चौक में हैं तो है तो ये चार ही, पर अपने को दिखने के तो आठ लग रहे हैं ना। ये देखिए, दो ये रे, दो ये रे, दो इधर और दो इधर, हम यहाँ खड़े हैं। दाई और देखिए, बाई और देखिए, अपने को दोनों भूमों में दो दो थंब नजर आ रहे हैं, जबकि ये थंब एक ही है। लेकिन इन चबूतरे की शोभा के वास्ते कृपा करके कहें, मेहर करके कहें, इन थंबों ने यहाँ पर भी मेहराबे निकाल ली, फिर दूसरी भूम में भी मेहराबे निकाली। तो जब हम यहाँ हैं तो अपने को एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अपने को आठ थंब दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये थंब चार ही हैं। एक ये हुआ, एक ये और ये, तो ये अपने थंब चार ही हैं, पर ये चबूतरे की और जरोखे की शोभा के वास्ते जो ये मेहराबे निकली, तो उससे अपने को थंब आठ नजर आते हैं। नीरू क्लियर हुआ? एक बार मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, नीरू एक सेकेंड, नीरू अनम्यूट कर दिया आपको। नीरू क्लियर हो गई शोभा? नीरू हो सकता है नेटवर्क ना इश्यू हो रहा है उसका। अनमर कहाँ किया है? हाँ, हो गया, क्लियर हो गई, आ गया मैसेज, आ गया। हाँ जी ठीक सुंदर साहब जी, कोई और क्वेश्चन हो अपने को यहाँ तक की शोभा के बारे में? दीदी, ये चबूतरे पे जो थंब हैं जो आप बता रहे हो अभी, इसके ऊपर पहले तो छत आ गई ना दूसरी भौम की। नहीं दी, ये जो चबूत, ये जो थंब है ना, हाँ ये जी 88, अभी थोड़ा सा यहाँ पे नक्शे में थोड़ा सा, उस दिन बात भी हो रही थी, एक बार मैं दिखाती हूँ। तो मान लीजिए अपने ये थंब 88 हाथ तक, क्योंकि इस 100 हाथ से कम है, अब यहां से इनकी 88 हाथ की मेहराब पड़ेगी, ऐसे यहां तक तो थंब हो गया, पर यहाँ पे इनकी मेहराब पड़ी। थंब तो ये एक ही है ठीक ना, है। एक ही, लेकिन जब ये छत डलनी है पहली भूमि में, तो उस वक्त ये स्पेशल कृपा करके ये मेहराबे इसी थंब ने इसी चबूत मतलब दीवार से निकल आई, क्योंकि हर शय चेतन है। अब यहाँ छत डलनी है, तो उस वक्त उस शोभा को संपूर्णता देने के लिए यहाँ पर एक मेहराब आ गई। लेकिन महर्षि जी वर्णन करते हैं कि ये थंब सीधा 88 हाथ गया, ऊपर 88 हाथ की मेहराब आई, ऊपर चित्रकारी की शोभा आई, 28 हाथ में चित्रकारी आती है। तो इस तरह से है तो गिनती की चार, पर अपने को क्योंकि भूम दर भूम ये दो मेहराबे पड़ी, इसलिए आठ नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। और मैंने ना, सोचा कि ये छत तो पड़ गई है तो थंब तो कट फिर ये छत पड़ गई ना, लेकिन थंब तो एक ही है ये। थंब एक ही है। ठीक है। हाँ जी पद्मा जी। अरे दीदी, वो अक्षी तो अलग से, ये उसकी काउंटिंग होगी ना? ये दो दो, ये दो, ये हाँ अक्षी दो हो गए और दो ये, ऐसे चार थंब हो गए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, ओके प्रणाम हाँ जी, प्रणाम जी। जी। हाँ जी नरेश जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ऐसे ही रात को ऐसे दिल में बैठकर एक शोभा आ रही थी कि जैसे ये ऊपर जहाँ हमारा धाम दरवाजे के ऊपर झरोखा है, हम कहते हैं ना 11 हाथ आगे जगह है झरोखे की भी, और जो ये शोभा नहीं, दरवाजा। अभी ना प्लीज, अभी जो ना अपन सिर्फ चांदनी चौक और ये, इसमें अगर सुंदर शोभा का वर्णन हुआ है तो वो क्वेश्चन मत पूछना, है ना। सुंदर ठीक, शोभा अगर एहसास हो रही है तो वो बता दो, बस क्योंकि वो अपने शोभा, ये साथ। शोभा हाँ ये हो रही है कि भी हाँ जैसे जो आगे ये जो ऊपर जगह निकल के जहाँ पे कठेड़ा लगा हुआ है, जैसे दरवाजों से भी हम बाहर आ जाते हाँ हैं, या और कठेरा। हाँ जी तो वही पूछ वहीं पे ही आ रहा था। तो वो
साइडों से जो दो चबूतरे हैं हमारे ऊपर बड़े झरोखे, तो इस जगह पे क्योंकि अब कटेड़ा भी लगा है, चाहे 10 हाथ की जगह 11, तो उस जगह पे, उस जगह से हम चबूतरे पे आ जा सकते हैं? नहीं नहीं, कैसे आओगे यहाँ से, यहाँ तक कैसे आओगे? नहीं तो अगर हमारे पास आगे जगह है, कटेड़ा लगा हुआ है दरवाजों से बाहर आके, जितनी भी जगह, नहीं 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 दरवाजों से बाहर निकलने की जगह नहीं है, दरवाजे के जस्ट आगे कठेड़ा है। ये शोभा का वर्णन अब करेंगे आगे, तभी कह रही हूँ कि अपन आगे नहीं जाएं कि सुंदर साथ उलझेंगे। आपको तो आता अच्छे से, नहीं मेरे को ऐसे आया कि इस जगह से हम नहीं चबूतरे नहीं पे चले जाएं। ना ना, इधर इसके आगे कठेड़ा लग रहा है नीरू। ये शोभा जो दूसरी भूमिकी है ना, अपन आगे करेंगे, आपने लिखा है मैसेज हाँ में। वो मैं, वो तो शोभा हाँ क्लियर है, थंब भी जुड़े हुए हैं तो रास्ता नहीं होगा उधर। हाँ जी, दीपिका जी आप भी कुछ कह रहे थे ना। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी तो शोभा में तो ऐसे ही आएगा ना हमारा धाम दरवाजा चौक के हाँ आगे? ऐसी ऐसी, अच्छा, वो मेहराब ऐसे ही बनेगी पूरी? हाँ लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर अपन देखें कि ये 100 हाथ की ऊंचाई है और हाँ थंब जी, अपना 88 हाथ का गया है, तो मेहराब अपनी इधर से निकलनी शुरू हो जाएगी थोड़ा पहले से ही। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना। हाँ हाँ जी, पर वही है ना कि बहुत प्यारा प्रयास है जिसे हम आराम से देख पा हाँ रहे हैं, जी, हाँ है ना। जी, हाँ थोड़ा सा है फर्क इसमें। प्रणाम हाँ जी, जी। हाँ जी सुंदर साह जी, कोई और क्वेश्चन? चांदनी चौक से लेके धाम सीढ़ियां और दरवाजे तक मैं कुछ क्वेश्चन करूं? सुंदर साह जी, हम इन दो मंदिर की चौड़ी रोस पर हैं, नगों की, लाल नगों की सुंदर चौड़ी रोस पर। मतलब ये रोस अपनी इस तरह से हो गई कि जैसे आगे आगे पलक पावड़े बिछते हैं ना मंदिर में, जैसे महाराज जी ने आना हो, या पहले पहले अपन घरों में सेवा लेके आते थे। आजकल तो हर घर में स्वरूप साहब है, लेकिन जब पहले अपन पाठ रखते थे घरों में सेवा लेके आते थे, तो कैसे आगे आगे चादरें बिछाते हुए, चुनिया बिछाते हुए, साड़ी बिछाते हुए, तो ये अपना एक तरह से पलक पावड़े हो गए। तो हम यहाँ से चलकर जा रहे हैं ये नूरी नगों की रोस, और ये रेती बिल्कुल एक लेवल में, यहाँ से अपना कदम इधर, तो हम यहाँ पर हैं, तो ठीक सामने अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? नीरू पार्टिसिपेट करना, अच्छा लगेगा। भले उसमें मैसेज में आंसर दे दो, अभी खोल नहीं पा रहे तो दुकान पे हो। धाम दरवाजे से पहले क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले अपने को क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? हाँ जी बाला। नाम जी, हाँ 100 सीढ़ियां 20 चांदे, जी 100 सीढ़ियां 20 चांदे। चांदे दोनों तरफ वो पर कोटे बने हुए हैं जिसपे कांगरी की शोभा आ रही है, और हाँ वो जी, साथ में सीढ़ी नुमा ही कमर पर ऊंचे पर कोटे चल रहे हैं साथ हाँ साथ। जी, आगे दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है, दोनों तरफ हमारे चार चार मंदिर के चबूतरे आए हैं जिसमें थंबों की शोभा आ रही है। बीच में हमारा दर्पण रंग का धाम दरवाजा आया है हाँ जो दो जी, भूम ऊंचा गया है, ऊपर सुंदर मेहराब है, और ऊपर देखते हैं तो दूसरी भूम की शोभा भी दिख रही है, झरोखा दिख रहा है, बड़े झरोखे दिख रहे हैं। सुंदर साह जी, हमारी बाला ने यहाँ खड़े होके संपूर्ण नजारे देख लिए। सबसे पहले 100 सीढ़ियां 20 चांदे, कठेड़े, दो मंदिर का चौक, चबूतरे और झरोके, संपूर्ण शोभा। अब सुंदर साह जी, हम इन रोंस पर हैं, दाई ओर उतरते हैं इस रेती में, तो क्या अपने को उतरना पड़ेगा? इन रेती में आते हैं, इन रोंस से इन रेती में आते हैं, तो क्या अपने को उतरना पड़ेगा? सुषमा जी, हम इन रोंस में हैं और रेती में आना है। नहीं, समान लेवल है दीदी। समान प्रणाम लेवल, दीदी। प्रणाम जी, अच्छा, समान लेवल है। ये नगों की शोभा बताई गई यहाँ पर, यहाँ पे कालीन, मतलब दो मंदिर जो लाल रंग के यहाँ मंदिर नगों की कालीन की शोभा, और इधर अपनी शोभा बताई नूरी रेती की। रेती का एक एक कण वाणी में वर्णन आता है किस तरह से जगमगा रहा है। सुंदर साह जी, आप आंसर भी बहुत अच्छे दे रहे हो, मैं नाम तो नहीं पढ़ पा रही ना, सबके सही आंसर आ रहे हैं।
रेती का एक एक कण किस प्रकार से जगमगाता है। हाँ जी कल्पना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जैसे पूनम की चांद में जैसे यहाँ पर रोशनी पड़ती है तो ऐसी झलकार होती है कि यहाँ से आसमान तक बिल्कुल एक सी रोशनी दिखती है हमें बिल्कुल। और ऐसी जैसे दो खूनी तिखूनी और अलग टाइप की भी है रेती तो सब में एक ही टाइप की झलकार हमें दिखाई देती है एक ही टाइप सारी। सच में ना ऐसा लगता है कि सच में मतलब जैसे अगर मैं कहती ना तो शायद इतना सा बोल जाती कि एक मानिक मोती हीरे की तरह, लेकिन वो आपने बोला ना चंद्रमा की जब चांदनी पड़ती है तो उस वक्त एक एक कण कितना प्यारा झिलमिलाएगा सुंदर साची, है ना, उस रोशनी में कैसे चमकाट होगी इसकी। अब हम इन रेती में से होते हुए यहाँ तक पहुंचे तो ये सीढ़ियां विशाल सीढ़ियां, हम इन सीढ़ियों को चढ़कर ही चबूतरे पर आ गए तो सबसे पहले सिर्फ इस चबूतरे की सुंदर शोभा अपने को कैसे नजर आ रही है, इन चबूतरे पर सुंदर शोभा कैसे नजर आ रही है। पंकुल बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम जैसी एक कमर भर ऊंचा चबूतरा चढ़ेंगे तब हम इस हमें इस चबूतरे पर सुंदर गीलम जो बहुत ही नरम है और दो भौम तीसरी चांदनी का हमें लाल वृक्ष या अगर हम लेफ्ट साइड में तो हमें हरा वृक्ष नजर आएगा और सुंदर गीलम के ऊपर कुर्सियां और सिंहासन की भी शोभा नजर आएगी। हाँ जी बेटा। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बच्चे ने वर्णन किया कि हम सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर घेर कर सुंदर फूलों का कठेड़ा, लाल रंग का वृक्ष है तो यहाँ पर जैसे पूरे ऐसे फूल बिछे हुए हैं कि मानो गिलम बन गई। अब यहाँ पर ठीक मध्य एक वृक्ष उठता है, वृक्ष की जो पहली भूमि शोभा आती है वो किस माफक आती है, बरामदे माफक, मौलात माफक, किस माफक आती है, वृक्ष की पहली भूमि शोभा किस माफक आती है, वो शोभा अपने को कैसे महसूस होती है। हाँ जी नीरू। बरामदे माफक। हाँ जी बरामदे माफक कि हम यहाँ खड़े हैं तो ये वृक्ष हर दिशा में कितनी डालियां निकालता है ये और बता दो। 34-34 डालियां चारों दिशा में निकालते हैं और 33-33 मेहराबे चारों दिशा में बनती हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे जब हम खड़े हैं ऊपर की ओर देखेंगे इस वृक्ष ने हर दिशा में 34-34 सुंदर डालियां निकाली हैं। उन डालियों में नक्काशी कितनी सुंदर लाल रंग की यहाँ पे झिलमिलाट होगी। अब हम यहाँ से भौम भर की सीढ़ियां चढ़ के वन की दूसरी भूमि में आ गए, इस वृक्ष की दूसरी भूमि में आ गए तो उन भूम का वर्णन कैसे होगा। हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर वृक्ष की दूसरी भूमि में आ गए तो यहाँ पे किस प्रकार से शोभा आई है। ज्योति। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, यहाँ पे हमारे 33 मेहराबे आई है, वो नीचे से थम जैसा उठता है और बीच में हमारे 34 है लेकिन 33 मेहराबे बने, 34 थम जैसा चारों तरफ से 34-34 घूम के आए हैं, एक रूम जैसा हो गया है लेकिन वो मेहराब है तो खुला दिख रहा है। वहाँ पे हमारे रूम्स के जितने सामान रहते हैं हमारे मंदिरों के जैसे झूले पलंग सभी कपड़े का सभी अलमीरा जितने सामान है सभी हमारे आए हैं, सिंहासन कुर्सिया तो वहाँ पे सभी सामान है। ऊपर में फिर उसके ऊपर फिर से छतरी बनती है तो फिर ऊपर ऊपर में फिर से हमारा घूमट कलश ध्वज पताखा आए हैं चारों तरफ से ऊपर में। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी लिखे हुए आंसर भी सब सही आ रहे हैं। हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर आए तो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सुंदर फर्श, हम एक 33 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह पे हैं और ये जगह कैसी है, पूरी फूलों पत्तियों की, फूलों ने पत्तियों ने डालियों ने एक रूप मिलान करके एकल छत करी है इस 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर। इन छत के चारों दिशाओं में 34-34 स्तंभ उठे चारों, क्योंकि 33 मंदिर की जगह है तो 34-34 स्तंभ उठे, उनमें 33-33 मेहराबे,
और इनके ऊपर एक छत, ऊपर गुमटियां, कलश ध्वजा पताका की शोभा। अब 33 मंदिर की लंबी चौड़ी फूलों की सुंदर मोहलात। हम जब कुंज निकुंज में जाते हैं तो हम कहते हैं सभी जो भाई फूलों की। देखा जाए तो कुंज निकुंज की शोभा हमें यहीं से दिख रही है, फूलों की सुंदर फौलाद, सुंदर मोहलात। उसमें सिजौगी, सिंहासन, हिंडोले, श्रृंगार का सभी साजो समान नूरी फूलों का। तो इस तरह से अपने लाल हरे वृक्ष की शोभाई है। और सुंदर साहब जी, इन वृक्ष की छाया कहाँ तक पड़ती है? चबूतरे तक रहती है या वो रेती में भी आती है? शांति जी, शांति दी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। चबूतरे तक रहती है दीदी, जिन्होंने हाँ रेती में नहीं जाती। हाँ, इस वृक्ष की छाया सिर्फ इस चबूतरे तक ही पड़ती है। ये भी धनी की हिकमत, अगर हम यहाँ अग्नासूत में देखें तो छाया कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर, जैसे जैसे रोशनी पड़ती है उसी हिसाब से। लेकिन इस वृक्ष के ऊपर 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार, ऊपर 33 मंदिर की लंबी चौड़ी छत, लेकिन जो छाया है वो सिर्फ इसी चबूतरे तक, वो जरा भी नीचे नहीं जाती। जी सुंदर साहब जी, ये लाल वृक्ष और हरा वृक्ष किसके कहे गए हैं? वाणी में वर्णन तो नहीं आया, वृत्तिकारों ने वर्णन किया है कि लाल वृक्ष इस चीज का है, हरा वृक्ष ये वाला वृक्ष है। हाँ जी पुष्पा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक तो आम का है। हाँ जी, ये आम का हो गया। हाँ जी, और दूसरा याद नहीं है मेरे को, अशोक का। अशोक, अशोक का, का, का। हाँ, हाँ चित्रांशी, मैंने पढ़ लिया था, अशोक बोल रहे हो। हाँ जी, है ना, ये अपना लाल का हो गया और ये अशोक का वृक्ष हो गया। हाँ जी, हाँ तो अपनी सुंदर नूरी ये वृक्ष, हम रूह जब यहाँ पहुंचती है चितवन में तो उनके अभिनंदन के लिए झुकते हुए इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो सामने धाम की सीढ़ियां। हमारे कितने चांदे आए हैं? हमारे चांदे कितने आए हैं? हाँ जी अंजू दी। हाँ जी, 20 चांदे। हाँ जी, 20 चांदे। अच्छा, हम जब चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, हाँ जी, कितने स्टेप अपने को चढ़ने हैं? 120 या 100? 100 स्टेप चढ़ने हैं, क्योंकि प्रत्येक पांचवी सीढ़ी चांदे समेत 6 हाथ की आई है। हाँ जी, है ना। अब सुंदर साहब जी, हम इन चौक में आ गए तो इन चौक की छत, गिनती नहीं कह रही प्रॉपर, लगभग कितनी ऊंचाई में नजर आ रही है? हम इन चौक में हैं, अपने को छत कितनी ऊंची नजर आ रही है? दो मंदिर की ऊंची। हाँ जी, दो मंदिर की ऊंची। इन चौक में हैं तो चारों कोनों पे थंब कौन से आए? देखन के कितने और गिनती के कितने? हीरे के, हीरे के थंब, देख गिनती के कितने हैं? 8, देखने के 8, वैसे 4 है। हाँ जी, वैसे 4 है। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा अपने को अच्छे से सारी, जहां तक मुझे लगता है अपने को दिल में बस गई है। है ना, सुंदर शोभा को मैं दो तीन नक्शे और दिखाती हूँ। ये देखिए, अपने सामने अमृत वन, ये सात वन का नजारा, ठीक मध्य अमृत वन। अमृत वन के भी देखो 4 मतलब होते हैं, 1, 2, 3 और 4, और मध्य रोस आ रही है, और जो धाम के साथ लगता हुआ जो अपना हिस्सा आता है उसके 166 मंदिर की जगह अपना चांदनी चौक हो गया।
हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन के लिए हैंड रेज है या कैसे? एक बार मैं हैंड रेज सबके नीचे करती हूँ, उसके बाद किसी का क्वेश्चन हो तो करें। हाँ जी सुंदर सर जी, कोई क्वेश्चन हो तो अब रेज हैंड करें, पहले बहुत सारे थे। हाँ जी कल्पना। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कल परसों ये भी बताया कि जैसे हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो हमारी चारों दिशा में क्या क्या आएगा, तो उसमें पूर्व में तो अमृतवन और उत्तर और दक्षिण में भी अमृतवन आया, पश्चिम साइड में हमारा रंग महल आया था। यदि हम उसी क्वेश्चन को हम यदि बोलते हैं कि हम यदि दो मंदिर की रोस पे खड़े हैं तो चारों दिशा में क्या आएगा, खाली हम रोस को ही लेते हैं पूरा चांदनी चौक नहीं लेंगे, तो फिर उत्तर दक्षिण तो जैसे दो वृक्ष है हरा लाल वृक्ष उसको हम ले लेते हैं, और फिर पश्चिम साइड हमारा 100 सीढ़ियां आ जाएगी, और फिर सामने रोस आ जाएगी, यहाँ रोस आ जाएगी, खाली रोस यहाँ सिर्फ रोस आ जाएगी, रोस यहाँ पे एक अपने को सुंदर द्वार बनता हुआ प्रवेश द्वार। हाँ जी, तो इसमें पाठघाट तो नहीं बोल सकते? नहीं पाठघाट बोल सकते हैं, वो तो नजर नहीं है। यहाँ अकन यहाँ पे जो बिल्कुल नजदीकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, या तो यहाँ भी हम थोड़ा सा और आगे आ जाए कि अपने को वृक्ष फिर ये नहर फिर अमृत वन नजर आ रहा है तो पाठघाट कह देंगे, लेकिन जब अपन बिल्कुल नजदीकी शोभा देख रहे हैं तो फिर यही इस द्वार तक नजर जाए, है ना, इस द्वार तक। पर एक बड़ी प्यारी सी शोभा भी जैसे दिल में आई है, पता नहीं मैंने पहले बताई या नहीं बताई, ये देखिए दो छह बच्चे तो अपने ये हो गए चांदनी चौक में एंटर करते वक्त दोनों तरफ ही छह बच्चे उछल रहे हैं, अब यहाँ खड़े हैं तो दो छह बच्चे ये रे और दो छह बच्चे यहाँ पर आएंगे, तो ये शोभा मैं दूसरे नक्शे में दिखाती हूँ। दीदी यही वाले छह बच्चे मैं उस दिन पूछ रही थी आपसे। हाँ मैं एक बार निकालती हूँ नक्शा। ऐसा नहीं आ रहा तो उसी जगह देखते हूँ, एक सेकंड बस निकालती हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, लाइव भी हो ही रहा है, कोई बात नहीं। बस निकल गया है नक्शा। अब इस नक्शे को करती हूँ कल्पना, एक बार ये देख लेते हैं अपन, जैसे हम इन रोंस में खड़े हैं तो पीछे तो अपने को ये सबसे पहले ये नजर आएगा अपना जो प्रवेश द्वार है सुंदर, ये देखो फूलों की छतरी, इधर चा बच्चा होगा अपना एक और एक चा बच्चा इस जगह होगा, मैं निशान लगा देती हूँ चा बच्चों की, एक चा बच्चा अपना इस जगह होगा, एक चा बच्चा अपना इस जगह होगा, है ना, और इधर हम देख रहे हैं तो ये रेती पहले और लाल, इधर लाल वृक्ष इधर रेती फिर ये हरा वृक्ष, है ना, और इधर सीढ़ियां बिल्कुल नजदीक देखते हो तो, है ना, और यहाँ पे दो छह बच्चे अपने यहाँ पर आए, एक एक छह बच्चा अपना इस जगह भी आएगा। दीदी थोड़ा कलर कर दो एरो ना, ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पे कलर से कर दो, ये कलर नहीं आ रहा, वो ऐसा व्हाइट एरो दिख रहा है ना, थोड़ा सा उसमें कर दो, एनोटेट से कर दो। एक सेकंड, पहले छह बच्चे बना के फिर एनोटेट कर देती हूँ, ये छह बच्चा एक इस जगह, छह बच्चा एक यहाँ, एक ये बनाइए। हाँ जी अब आ रहा सही माउस? हाँ जी दीदी अब ठीक है। हाँ ये देखो दो छह बच्चे अपने ये हो गए सुंदर सा जी, हम चांदनी चौक में हैं तो ये पहले तो ये अपने को दो मंदिर की रोस नजर आ रही है, इन रोंस के दोनों किनार पर वृक्ष हैं, इन वृक्षों के मेहराबी द्वार में से आगे देखते हैं तो
तो ये नहर की शोभा, ये नहर विशाल नहर होगी ये नजर आएगी, और ये जहां जहां नहर कट रही है, एक चाय बच्चा यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये चाय बच्चों की शोभा को भी हम निरखें कि हम यहाँ खड़े हैं, रेती, रेती के बाद रेती, ये वनों की शोभा और आगे ये नहरों की शोभा और चाय बच्चों की, और हम इस रोंस पर हैं, दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो इन रोंस के ऊपर सुंदर साजी छत है, हम इन रोंस पर हैं, इधर भी वृक्ष है, इधर भी वृक्ष है, तो यहाँ पर अगर हम हैं और छत है तो कितनी ऊंची है, इन दो मंदिर की जब रोंस पर है तो छत कितनी ऊंची है, हाँ जी शशि दीदी, प्रणाम जी दीदी, एक भूम ऊंची होगी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो दो भूम के वृक्ष आए हैं, लेकिन पहली छत अपने को इसी रोंस के ऊपर एक भूम ऊंची नजर आएगी। अब ये चांदनी चौक को तीन तरफ घेर कर रोंस आई है, आने जाने के लिए भी हो सकती है, और कभी मन है तो इन फूलों की छतरी के तले बैठने का मन हो तो यहाँ सिंहासन कुर्सियां भी हाजिर हो जाएंगी, और इन सिंहासन कुर्सियों पे बैठ के चांदनी चौक की शोभा को निरखना। तो इस तरह से सुंदर शोभा। सरोजी अब क्लियर हो गया ना चाय बच्चे? हाँ जी दीदी, हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ जी, हाँ जी भावना, हाँ जी भावना, प्रणाम जी दी, प्रणाम जी, कल्पना दी आप नीचे कर लो अपना रेंज ना, भावना जी म्यूट हो गए शायद आप, अभी आवाज आ रही है दी? हाँ आ रही, अब आ रही है। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी दी, ये आपने कहा ना कि दो भूम के वृक्ष हैं, तो ये छत एक भूम की कैसे हुई? क्योंकि पहली भूम में छत पड़ेगी, फिर दोबारा वृक्ष उठेंगे और फिर छत आ जाएगी, जैसे ये 40+40 और 12 हाथ की अगर हम कहें यहाँ पर, तो पहली भूम में तो छत आ गई, फिर दोबारा वृक्ष उठेंगे और फिर छत आएगी, तो यहाँ जब खड़ेंगे तो अपने को छत तो पहले, जैसे हम अपने घर में खड़े हैं, तीन मंजिला घर है अपना, लेकिन हम तले खड़े हैं तो छत तो अपने से एक भूम ऊंची है ना, तो ऐसे ये दो भूम के वृक्ष हैं और हम यहाँ खड़े हैं तो छत एक भूम ऊंची अपने ऊपर। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाओ। जैसे हम अपने घर में आ जाए, मान लीजिए अपने घर की दो भूमि या तीन भूम यानी मंजिल, जैसे हम अपने घर की दो या तीन मंजिल है, तो हम जैसे तले की भूम में है, अपने तले की मंजिल में है, ऊपर नजर करेंगे तो छत अपन से एक मंजिल ऊंची, अब उसके ऊपर जाएंगे तो फिर अपने को दूसरी मंजिल नजर आएगी, ठीक ऐसे ही इन वृक्षों की दो मंजिले कहे, मतलब ऐसे परम धाम की भाषा में भूम बोलते हैं, पर समझाने के हिसाब से कह रही हूँ मंजिल, तो जब हम यहाँ खड़े हैं तो एक भूम ऊंची छत नजर आएगी, फिर हम सीढ़ियां चढ़ के जब दूसरी भूम में आ गए तो फिर एक भूम ऊंची छत नजर आएगी, तो ऐसे भूम दर भूम दो भूम के वृक्ष आए हैं, तो जब इन रोंस पे है तो पहली छत अपन से 100 हाथ ऊंची है, एक भूम की ऊंचाई पर है। हुआ क्लियर भावना जी? क्लियर हुआ? नहीं, अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा थी। ये जो वृक्ष आए हैं इनकी भूम दर भूम दो भूमे आई है, ये पहली भूम की छत हो गई, यहाँ पे एक बार छत पड़ गई वृक्षों पे पूरी, हम इस छत के तले हैं तो एक भूम ऊंचाई पे छत है, अब यह जो दूसरी भूम हम कहते हैं वो यहाँ से वापिस से छत उठी, इस जगह से भूम भर के विष वापिस से उठे, अब जब इस छत पे हैं तो एक भूम ऊंची फिर अपनी दूसरी छत होगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हो गए थे। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी पद्मा जी। दीदी वो ना सात परिक्रमा, वो जो अपना मैप है ना, उससे बता दो ना एक बार। सात परिक्रमा? हाँ हाँ, एक बार निकालती हूँ, नक्शा निकल आता है तो, अपने जो पहले दिन किया था। हाँ जी, हाँ जी, अभी 5 मिनट में। अनिल जी, हाँ जी, अनिल जी,
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब हम चांदनी चौक के ये छज्जे के नीचे जो शोभा आई है एंट्रेंस में ये आगे जो अभी आपने देखा वहां पे खड़े हैं, तो यहाँ नहर का जो चबूतरा है वहां पे रोज पर छज्जे भी आए जालीदार वो आएगे जो कठेड़ा वो भी दिखाई देंगे जालीदार कठेड़ा यहाँ पर कहाँ पर आए? यहाँ रोज पर जहाँ पानी जाता है अभी छह बच्चे बताए आपने। एक में मैं बता रही हूँ एक बार ये लाल रंग की तो अपनी रोस हो गई एक सेकंड दूसरा ले रही हूँ ये लाल रंग की तो अपनी रोस हो गई हम यहाँ तक खड़े यहाँ तक चांदनी चौक शुरू नहीं हुआ अपने ऊपर छत है अभी है ना अब इसके साथ ये जो नहर का चबच्चा है नहर का चबच्चा मैं दूसरे रंग में दिखाती हूँ आपको ये जो नहर का चबच्चा है पीले रंग में ये जो पीले रंग में आ रहा है ये नहर का चबच्चा और ये रोस एक रूप मिलान किए हैं इन रोस से इन वृक्षों की यहाँ पर वृक्ष भी आए थे किनार पर ये देखो काले रंग के इनके बीच में से होते हुए हम इस नहर की रोस पे आ गए आगे अपने यहाँ नहर है और यहाँ पे अपने को कठेड़ा मिलेगा वहाँ पर कठेड़ा दिखेगा नहीं हाँ दिखेगा आप ये देखो तो मिलान करती जगह है यहाँ अपन कह देते हैं कि दो मंदिर की रोस है पर दाएं बाएं ये आधे आधे मंदिर की अपनी नहर की रोस से भी मिलान कर रही है बराबर तो तीन मंदिर की जगह हो गई यहाँ पर विशाल रोस है प्रणाम जी प्रणाम जी हाँ मैं एक बार सात परिक्रमा वाला नक्शा अगर सामने है तो निकालती हूँ हाँ जी सुंदर सर जी तब तक कोई और क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं अपन हाँ जी कुसुम दीदी दीदी इसका मतलब यहाँ पर दो चाय बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं अब ऐसे मैंने गिने नहीं बाकी चाय बच्चे आए हैं एंट्रेंस में जब अपन आते हैं ना तो वहाँ चाय बच्चे आए हैं दो चाय बच्चे आए हैं ना हाँ यहाँ चाय बच्चे कहाँ आते हैं जहाँ जहाँ नहर कटती है इन शोभा को अपने अपने को दिल में ये शोभा बसानी है कि जहाँ जहाँ नहर कटती है अब यहाँ पर देखो ये नहर कट रही है तो ये चाय बच्चे आएंगे ना ये देखो नहर कट रही है आमने सामने से जब दो नहरें आके मिलती है ना तो वहां चबच्चा बन जाता है अब इस जगह इधर से नहर आई इधर से नहर आई तो यहाँ पर चबच्चा बन गया अब नहर यहाँ जा रही है फिर इधर जा रही है तो यहाँ भी चबच्चा बन गया तो ये वनों में से हिस्सा काटा गया और ये हिस्सा काटा गया वन इस नहर के द्वारा तो यहाँ पर अपने को दो चबच्चे तो ये नजर आ रहे हैं और चार कोनों में भी नजर आ रहे हैं इसको इस वाले नक्शे से दिखाऊं आपको दो चबच्चे तो इस कोने पे दो चबच्चे इस कोने पे और दो चबच्चे ये तो दिखाई रखे हैं नक्शे में ये है ना यहाँ भी ज्वारदस माजी का निकला हुआ नहीं है नक्शा नहीं तो वो तो अच्छे से यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे है चबच्चे मैंने तो ऐसे ही खोल लिया मुझे क्लास का पता ही नहीं था नहीं, मैंने मैसेज डाले थे दीदी कौन से उसमें डाले थे सभी ग्रुप से डाले शनिवार की शनिवार अगर ये टाइम उचित रहेगा तो इस टाइम नहीं तो शनिवार की शनिवार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे बस मैं नक्शा महाराष्ट्र जी का भी निकाल दूं ये टाइम तो ठीक है दीदी हाँ ये लो ये कितने बजे शुरू हुई थी दीदी साढ़े तीन बस होने वाली है क्लास अपनी हो गई टाइम तो हो गया पर बस एक बार सात परिक्रमा बता दूं उनको ये देखो दीदी नक्शे में देखो बिल्कुल क्लियर है चाहे बच्ची ये देखो आप अनिल जी इसमें कितनी प्यारी शोभा है ये देखो ये रोस और ये रोस बिल्कुल मिलान करती हुई और दो चाय बच्चे ये नहर की शोभा ये दो मंदिर की रोस और आधे मंदिर की रोस बिल्कुल मिलान करती हुई दो चाय बच्चे ये रहे दो चाय बच्चे ये रहे तो यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं तो ये तीनों तरफ वनों की मेहराबी द्वारों में से चाय बच्चों के दर्शन और आगे अमृत वन के हाँ जी अब थोड़ा सा सात परिक्रमा एक बार देख लेते हैं सुंदर सा जी अपन ने उस दिन जो बात की थी कि अपनी पहली परिक्रमा होती है श्री रंग महल नौ भौम दसवीं आकाशी
नौ भौम दसवीं आकाशी की संपूर्ण शोभा को देखना अपनी पहली परिक्रमा। दूसरी परिक्रमा में जवेरों की नहरों के भीतर भीतर जो संपूर्ण शोभा जाती है, पूर्व दिशा में सात वन, यमुना जी, अक्षरधाम, दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी, कुंज निकुंज, होश कोसर ताल, चौबीस हंस का माहौल, पश्चिम दिशा में नूरबाग, फूलबाग, अनवन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान और उत्तर दिशा में पुखराज की संपूर्ण शोभा और घेर कर आए बड़ोवन, मधुवन, महावन। ये अपनी हो गई पूरी दूसरी परिक्रमा। और तीसरी परिक्रमा है अपनी जवेरों की नहरें। चौथी परिक्रमा है माणिक पहाड़ और माणिक पहाड़ की हद में आए बड़ोवन, मधुवन, महावन। पहली परिक्रमा हुई अपनी श्री रंग महल की संपूर्ण शोभा, दूसरी परिक्रमा हुई जवेरों की नहरों के भीतर भीतर, तीसरी परिक्रमा हुई जवेरों की नहरें, चौथी परिक्रमा हुई अपनी माणिक पहाड़, पांचवी परिक्रमा वन की नहरें, छठी छोटी राम और सातवीं बड़ी राम, आठ सागर, आठ चीनी। तो ये अपनी है सात परिक्रमा की शोभा जो हमने पहले दिन करी थी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साची जयकारा बुलाते हैं एक बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय।